हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल ट्रीटो में, जिसमें हम जानेंगे ढेर सारे अमेजिंग फैक्ट्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बर्थ के 1 मंथ तक वो जो भी चीज देखते हैं उन्हें वो ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है। अगर हम कुछ भी चीज देखते हैं तो हमारा ब्रेन उस विजुअल इंफॉर्मेशन को अच्छे से प्रोसेस कर लेता है और हमें बता देता है कि ये किस कलर का है, क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनका ब्रेन इस विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकता है। इसीलिए जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उन्हें हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। जब भी हम इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला जो प्रेफरेंस आता है वो आता है google.com का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूगल का नाम गूगल कैसे पड़ा था? गूगल का नाम जो है वो एक गूगल नाम के वर्ड से डिराइव किया गया था, जिसका मतलब होता है 1 followed by 100 of zeros। गूगल को पहले बैकरब के नाम से जाना जाता था, उसके बाद लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने 1998 में इसे गूगल के नाम से रीब्रांडिंग करना शुरू किया और आज हम इसे गूगल के नाम से जानते हैं। हम जो बनानास को मार्केट से खरीदते हैं, क्या आपने कभी इसके अंदर किसी बीज को देखा है? ये देखिए, हम जो मार्केट से बनानास को खरीदते हैं उसका जो सीड का साइज होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, क्योंकि इसे हाइब्रिड मेथड से ग्रो किया जाता है। लेकिन जो रियल बनानास होते हैं उनके जो सीड्स होते हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा बड़े होते हैं हाइब्रिड बनानास से। जो बीता हुआ कल है उसे हम यस्टरडे बोलते हैं, अभी जो करंट डे चल रहा है उसे हम टुडे बोलते हैं, आने वाले कल को हम लोग टुमारो बोलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आने वाला जो कल है उसके बाद वाले दिन को क्या बोलते हैं? नॉर्मल लैंग्वेजेस में हम उसे डे आफ्टर टुमारो तो बोल देते हैं, बट डे आफ्टर टुमारो एक सही वर्ड नहीं है इस चीज को डिपिक्ट करने के लिए, इसे हम ओवरमोरो कहते हैं। तो अगली बार जब आप डे आफ्टर टुमारो बोलें तो इस बात को जरूर याद रखिएगा कि डे आफ्टर टुमारो इस चीज के लिए सही वर्ड नहीं है, आप ओवरमोरो का यूज कर सकते हैं। आइलैंड विद इन अ लेक ऑन एन आइलैंड विद इन अ लेक ऑन एन आइलैंड, इससे आपको क्या पता चलता है? ये देखिए, इस फोटो को देखिए, इस फोटो में आपको एक लेक दिख रहा है जिसके अंदर एक आइलैंड है, उस आइलैंड के अंदर एक और लेक है, एंड सो ऑन। ये जो प्लेस है ये फिलीपींस में है और इस प्लेस का नाम है वल्कन पॉइंट। ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जो कि एक लेक के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर एक लेक है और उस लेक के अंदर एक और आइलैंड है, एंड सो ऑन। कितनी अमेजिंग बात है ना? क्या आपने कभी इसे देखा था? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे साथ कुछ अमेजिंग फैक्ट शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, आगे आने वाले और भी अमेजिंग फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सी यू सून।